आज जो हमने टॉपिक पढ़ा वो था एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शंस के हमने मुख्तलिफ टाइप पढ़े, कल हमने एंडोथर्मिक पढ़ा था और आज हम एक्सोथर्मिक पढ़ रहे हैं। एंडोथर्मिक वो रिएक्शन होते थे जिनके दौरान हीट एब्जॉर्ब होती थी, और आज हम पढ़ रहे हैं एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक के दौरान हमेशा हीट खारिज होती है, जैसे आपका जलना वो एक एक्सोथर्मिक एग्जाम्पल है, क्योंकि आपको उसे हरारत मिल रही होती है। ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसके दौरान हीट बाहर खारिज हो उसको हम एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन कहते हैं। मिसाल के तौर पर पोटासियम परमैंगनेट, जिसके बारे में हमने ये पढ़ा, पोटासियम परमैंगनेट को अगर हम ग्लिसरीन के साथ या किसी भी ईथर के साथ, ग्लिसरॉल के साथ अगर हम उसको मिक्स करते हैं तो ये फौरन हीट खारिज करता है। इस्तेमाल में आपको माचिस के जरिए, किसी चीज़ के जरिए आग उसको लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, बल्कि ये खुद ही जब रिएक्शन करते हैं तो इतनी ज़्यादा ये एक्सोथर्मिक होते हैं, इतनी हीट खारिज करते हैं कि फौरन वो शोले में तब्दील हो जाती है, और उसके दौरान हमें क्या हासिल होता है, MnO2 हासिल होता है, K2CO3 हासिल होता है, कार्बन डाइऑक्साइड धुएँ की सूरत में खारिज होती है और पानी के बुखारात भी इसके साथ खारिज होते हैं। ठीक है, ये एक एक्सोथर्मिक की एग्जांपल है। एक्सोथर्मिक को जब हम जाहिर करते हैं तो उसके जाहिर करने का ये तरीका है कि या तो आप यहाँ पर लिख दें इसके हीट आउट, यहाँ पर अगर आप नहीं लिखना चाहते फिर इसके साथ आप एंड में लिख सकते हैं प्लस हीट, ये भी एक्सोथर्मिक की निशानी होगी। अगर आपने एरो साइन से पहले लिख दिया प्लस हीट, वो एंडोथर्मिक की निशानी होगी। इस चीज को आप याद रखें। अगर पेपर में आ जाता है सवाल कि कैसे आप लोगों को पता चलेगा कि ये एंडोथर्मिक इक्वेशन है या एक्सोथर्मिक है, तो अगर एरो साइन से पहले हीट उसने लिखा हुआ है तो वो एंडोथर्मिक होगा, और अगर एरो साइन के बाद लिखा हुआ है तो वो क्या होगा, एक्सोथर्मिक होगा। अब हम जो है इसको एक्टिविटी के जरिए देखते हैं कि किस तरह ये एंडोथर्मिक का काम देता है या एक्सोथर्मिक का। तो इस इक्वेशन में जो इस्तेमाल हुआ है मैगनीज्ड पोटासियम परमैंगनेट, पोटासियम परमैंगनेट जिसको KMnO4 कहा जाता है, और इसको पिंकी क्रिस्टल भी कहते हैं, क्योंकि वैसे ये ब्लैक कलर का है, पानी में डालने से इसका कलर क्या हो जाता है, पिंक हो जाता है, और ये पानी को भी पिंक कर देता है। थोड़ी सी मिकदार में हम इसको इसको कहते हैं पिंकी क्रिस्टल, या इसको कहते हैं पोटासियम परमैंगनेट, और इसका फॉर्मूला क्या है, KMnO4। इसके साथ जो है हम ग्लिसरीन अप्लाई करते हैं। अब ये रिएक्शन इसका स्टार्ट हो चुका होगा, लेकिन इसको हम एक्टिव कर सकते हैं कि ये रिएक्शन जरा जल्दी हो जाए, उसके लिए थोड़ा सा इसके ऊपर पानी या कोई भी लिक्विड डाल दें। अब आप देखेंगे कि ये ग्लिसरीन इसके साथ रिएक्शन स्टार्ट कर रहा है। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड और पानी के बुखारात धुएं की सूरत में इसमें से खारिज होने लगे। अब इसकी एक्सोथर्मिक की जो हीट है वो शोले की सूरत में खारिज होने लगेगी। और इसके शोले का टेम्परेचर जो है वो 600 डिग्री सेंटीग्रेड तक भी हो सकता है। ठीक है, तो आज हमने क्या सीखा, आज हमने एक्सोथर्मिक के बारे में सीखा कि ऐसे केमिकल रिएक्शन होते हैं जो कि हीट को खारिज करते हैं। ठीक है, लाजमी है कि आप इसको जलाएं, जला भी सकते हैं, जैसे लकड़ी को जलाते हैं तो वो एक्सोथर्मिक है, लेकिन कुछ रिएक्शन ऐसे जिनको जलाए बगैर वो खुद अपनी हीट इतनी ज़्यादा खारिज करते हैं कि जो कई डिग्री तक पहुंच जाती है और किसी चीज़ को जलाने की तरफ से रखती है, जैसे हमने पोटासियम परमैंगनेट और ग्लिसरीन के रिएक्शन को देखा। ठीक है, कल जो है हम फिर एक नए टॉपिक के साथ